आपने बेसन और सूजी का ढोकला तो कई बार बनाया होगा और खाया भी होगा, लेकिन क्या आपने ये वाला ढोकला खाया है? नमस्कार, मैं अंकिता आज आपके लिए लेके आई हूँ ऐसे ढोकले की रेसिपी जो आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा, जो खाने में तो टेस्टी है ही और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए ये नए तरीके का ढोकला बनाना शुरू करते हैं। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस ढोकले को बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में लेंगे 2 कटोरी चावल का आटा। जिस कटोरी के नाप से हमने चावल का आटा लिया था उसी कटोरी के नाप से हम इसमें 1 कटोरी भर के दही डाल देंगे। आप इसमें हल्की सी खट्टी दही का इस्तेमाल करें तो ढोकला बहुत ही अच्छा बनेगा। अब दही को हमें चावल के आटे के साथ मिक्स कर देना है। अब उसी कटोरी के नाप से 1 कटोरी भर के इसमें पानी डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हमें चम्मच से मिक्स कर देना है। इसी नाप से अगर आप चावल का ढोकला बनाएंगे तो आपका ढोकला कभी खराब नहीं होगा और एकदम स्पंजी मार्केट जैसा ढोकला बनकर तैयार होगा। अब 1 कटोरी और उसी कटोरी के नाप से हम पानी डाल देंगे। एक साथ पानी नहीं डालेंगे ज़्यादा, क्योंकि एक साथ पानी ज़्यादा डालने से ये बैटर ज़्यादा पतला हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे धीरे धीरे नाप करके पानी डालना है और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे। देखिए मिक्स करने के बाद में अभी भी ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा रह गया है। अब हम इसमें आधा कटोरी पानी और डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह चावल को 2 घंटे भिगोकर उसका बारीक पेस्ट बनाकर भी इस ढोकले को बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो बैटर है ढोकले का वो बन करके तैयार हो गया है। हमें इसे इतना पतला ही रखना है, इससे ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। आप अगर लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें लहसुन मत डालिएगा, सिर्फ इसमें अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट ही डालिएगा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब हम इसमें डाल देंगे 1 पिंच हींग। अब सारे मसालों को बैटर के साथ में बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए बैटर के साथ में मसाले बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हमें इसे ढक के रख देना है कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसमें हल्का सा मिठास लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच चीनी का पाउडर। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के इनो डाल देंगे। ये वही चम्मच है जो हम अक्सर घर में खाना खाने के इस्तेमाल में लाते हैं, इसी के नाप से मैंने यहाँ सारा सामान डाला है। अब इनो को एक्टिव करने के लिए 1 चम्मच भर के इसमें पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए इनो को हमने बिल्कुल अच्छे से बैटर के साथ मिक्स कर दिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने एक ही साइज की 4 कटोरी ली है। अब चारों कटोरियों में हमें घी या तेल लगा देना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि जो हमारा ढोकला है कटोरियों के अंदर चिपके ना। अब इन घी लगी कटोरियों में हम इस बने हुए बैटर को डाल देंगे। बैटर में डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि कटोरी को हमें पूरा नहीं भरना है, उसको थोड़ा सा कम ही भरना है ताकि जब ये फूले तो कटोरी से बाहर ना गिरे। इस ढोकले को बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के स्टैंड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही आसानी से घर में रखे बर्तनों में ही बनकर तैयार हो जाता है। ये ढोकला बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और यकीन मानिए खाने में ये सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। और ये देखिए कटोरी में मैंने थोड़ी सी खाली जगह रख दी है ताकि ये फूलने के बाद बाहर ना गिरे कटोरी से। और यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था और जो पानी है बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो गया है। अब इस तरह से कोई भी छलनी रख देंगे इसके ऊपर। अब एक एक करके ये सारी कटोरी हम छलनी के अंदर रख देंगे। और ये देखिए इस छलनी में हमारी 3 कटोरियाँ आ गई है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा काली मिर्ची का पाउडर।
काली मिर्ची डालने से हमारा जो ढोकले का टेस्ट है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। आप इसे ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा हमारा ढोकला। और जो चौथी कटोरी बच गई थी, अब हम उसे इन तीनों कटोरियों के ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और इसके ऊपर भी हम काली मिर्ची का पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे एक प्लेट से कवर कर देंगे ताकि इसमें बढ़िया तरीके से भाप बने और हमारा ढोकला एकदम फूला फूला स्पंजी बनकर तैयार हो। इसको हमें 20 मिनट तक इसी तरह से कवर करके पकाना है ताकि ढोकला बिल्कुल अच्छे से पक जाए और ये कच्चा ना रहे। बीस मिनट हो गई है, अब हम इस ढोकले को चेक कर लेते हैं। हमें टूथपिक की सहायता से इसे चेक करना है और ये देखिए, टूथपिक निकालने के बाद में टूथपिक हमारी जो है थोड़ी सी गीली है, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे से नहीं पका है। तो हम इसे 5-10 मिनट और पका लेते हैं। 5 मिनट और पकाने के बाद में एक बार फिर से टूथपिक की सहायता से चेक कर लेते हैं और अब की बार जो है हमारी टूथपिक पे बिल्कुल भी बैटर नहीं लगा हुआ था, ये बिल्कुल सूखी निकली थी। इसका मतलब ये ढोकला बिल्कुल अच्छे से पक गया है। ढोकला पकने के बाद में हमने कटोरियों को बाहर निकाल लिया है और इनको हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसे चाकू की सहायता से इस तरह से हल्का हल्का सा साइड से हटा लेंगे। चाकू से साइड से हटाने के बाद एक बड़ी प्लेट ले लेंगे और कटोरी को उल्टा करके हल्का हल्का सा इसको थपथपाएंगे। और ये देखिए कितनी आसानी से जो ढोकला है कटोरी से बाहर निकल गया है, क्योंकि हमने कटोरी में ऑयल लगाया है, उसकी चिकनाहट की वजह से ये कटोरी में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। बाकी के ढोकले भी हम इसी तरह से निकाल लेते हैं। सारे ढोकले बनकर तैयार हो गए हैं, अब हमें इन्हें एक प्लेट में निकाल लेना है और ऊपर से हम इसमें डालेंगे नींबू और चीनी का खट्टा मीठा पानी। जो पानी हम ढोकलों के ऊपर डालते हैं वही पानी मैंने बनाकर तैयार कर रखा है, वही मैं इसके ऊपर अच्छे से डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अंदर तक भर जाए। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल। अब आपको इस ढोकले का एक पीस काट कर दिखाती हूँ कि ये जो ढोकला है कितना स्पंजी बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए कितना स्पंजी हमारा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।